हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कहां बैठकर अपना तप आरंभ करूं। देवी, आप यदि अपने पूर्व रूप का ध्यान करती तो आपको इस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाता। आपने अपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों रूपों में इसी पर्वत की गुफा में बैठकर तप किया था, इसी कारण ये पर्वत त्रिकूट के नाम से विख्यात है। हे पितामह, कृपया मुझे दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए, मुझे अनुग्रहित कीजिए पितामह, मुझे अनुग्रहित कीजिए। आंखें खोलो देवी। प्रणाम पितामह। कल्याणमस्तु। कहिए देवी, किस कारण से आपने मेरा स्मरण किया? हे पितामह, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा से यहाँ आई हूँ, परंतु मेरे मन में एक भ्रम है। भ्रम? किस बात के लिए देवी? हे पितामह, जब से मैं त्रिकूट पर्वत पर आई हूँ, राक्षसों ने बार बार मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है। मैंने राक्षसों का तो विनाश कर दिया है, परंतु अब त्रिकूट पर्वत पर स्वयं राक्षस राज भैरव आ गया है। वो मुझे एकाग्र चित्त होकर तपस्या नहीं करने देगा। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप कृपया मुझे बताएं कि मैं कहां बैठकर अपना तप आरंभ करूं। देवी, आप यदि अपने पूर्व रूप का ध्यान करती तो आपको इस स्थान का पूर्ण स्मरण हो जाता। आपने अपने महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों रूपों में इसी पर्वत की गुफा में बैठकर तप किया था, इसी कारण ये पर्वत त्रिकूट के नाम से विख्यात है। आप इसी गुफा में जाएंगी तो आपकी स्मृति सजग होगी और आप इसी गुफा में तप करने बैठेंगी। पितामह, आपका संकेत मैं समझ गई। एक बात और है देवी, भैरव के मन में आपके प्रति जो अश्लील पाप है, उसे अब तक तो अपने मन में ही छुपाए हुए हैं। उसके इस पाप का दंड देने से पहले इसे दर्शाना होगा। इसके लिए पहले आपको एकांत में जाना होगा। एकांत में पापी खुलकर सामने आता है। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए यही उचित है कि आप गर्भ गुफा में प्रवेश करें। आपका सुझाव उचित ही है पितामह। शेष स्वयं समझ जाएंगी कि गर्भ गुफा में भैरव के पहुंचने पर आपको क्या करना है। हे परमपिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो जाऊं। यशस्वी भव।